can. Ta-da! बैठाओ एंड लाइफ बचाओ, लाइक इसको बंगाली में कहते हैं गाछ बसाओ एंड प्राण बचाओ। तो यस गाइस, आज का व्लॉग इसी के रिलेटेड है। मतलब हम जब घर बनाने वाले थे अपना ड्रीम हाउस, तो उस समय हमारे माइंड पे एक कॉन्सेप्ट था, सोच के ही रखे थे कि हमारा जो बालकनी होगा ना, उस बालकनी में बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाले छोटे छोटे प्लांट्स बैठाएंगे, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसको भी बैठाएंगे, साथ में बालकनी में भी फ्लावर्स का जो प्लांट्स होते हैं वो सब बैठाएंगे। तो घर हो गया ऑलमोस्ट 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी भी हम लोग कुछ प्लान नहीं कर पाए उस टाइप का कुछ करने के लिए कि बालकनी को अच्छा से यू नो लाइक ग्रीन वैली टाइप्स का कुछ बनाओ। तो आज हम लोग मतलब अगला हफ्ता 1 वीक पहले हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जो यू नो प्लांट्स जो बेचते हैं उनको बुलाते हैं घर पे एंड उनको दिखाते हैं कि हमारा इतना बड़ा बालकनी है एंड वहाँ पे हम लोग क्या क्या प्लांट बैठा सकते हैं छोटा छोटा, जो कि फ्लावर दे, है ना, और बालकनी को एकदम लुक वाइज बहुत ब्यूटीफुल बना दे, इनहेंस बना दे। तो ऑलरेडी हमारे छत पे जो टेरिस है वहाँ पे 2-4 फ्लावर्स का पॉट है फ्लावर्स के साथ में, लेकिन होता है सीजनेबल क्या कहते हैं प्लांट्स वगैरह है, तो सीजन में ही फूल होता है या सीजन में ही वो खिलता है, इसीलिए हम लोग अभी जो प्लांट्स बैठाने वाले हैं टेरेस में एंड एज वेल एज हमारे बालकनी में। सो आज का व्लॉग बेसिकली है बालकनी मेकओवर। तो बालकनी को मेकओवर कैसे करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड कीप वाचिंग। तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ बिफोर मेकओवर होने से पहले बालकनी हमारे किस टाइप का दिख रहा है। पूरा खाली खाली सा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और बस ये जगह को हम लोग पूरा मेकओवर करने वाले हैं। हमारे जो करने वाला होता है ना छोटे छोटे प्लांट्स का काम, वो आ गया है, तो वो हमारे बालकनी को पूरा टोटली चेंज कर देंगे। दिखते हैं कैसे लगेगा। वैसे मैं ऑलरेडी पहले से बैठा के रखी हूँ, जैसे ये हो गया स्नैक ट्री स्मॉल वन, देन यहाँ पे तुलसी का पौधा है, साथ में यहाँ पे एलोवेरा का ट्री स्मॉल वन, तो ये सब मैंने छोटा छोटा बैठा के रखा था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ बैठाना बाकी है जो कि अभी बैठाया जाएगा। आज संडे है, फ्री टाइम है, तो हम सोचे क्यों ना बालकनी को थोड़ा सा लुक वाइज मेकओवर किया जाए। यहाँ पे वो भैया आ गए हैं एंड यहाँ पे देखो प्लास्टिक वाला जो पॉट होता है ये दिया है बालकनी में हैंग करने के लिए, एंड यहाँ पे है ये मट्टी वाला पॉट जिसमें बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो बैठने वाले हैं। चलो ऊपर दिखाते हैं, वो काम कर रहे हैं, ऊपर चलते हैं एंड दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं अभी। यू कैन सी ये जैसा एक प्लांट है जो ऑलरेडी मर चुका है, इसको भी ठीक करवाना है। অনেকগুলো শুকে গেছিল না গো তুলসী পাতা এগুলো পড়ে আছে তো হ্যাঁ কি সুন্দর গন্ধ বলো তো তুলসীটার দামি তুলসী গাছ গো হ্যাঁ এগুলো হট করে পাওয়া যায় পাওয়া যায় আচ্ছা এটাকে বসানো যাবে না ব্যালকনিতে অনেকটা বড় হয়ে যাবে এখন ব্যালকনি তো হবে না রোদও পাবে না তাই না রোদ পাবে না আর নষ্ট হবে হ্যাঁ আর হচ্ছে যে মানে যে সেদ লজ্জাপতি হুম হুম খেলে মানে বলছি খারাপ হবে না বলছি ওই যে সাদা স্রব হ্যাঁ মেদির মানে জীবন হয় না আচ্ছা আচ্ছা আমার দাদু তো হচ্ছে আয়ুর্বেদিক মানে এ করতে গাছ আচ্ছা 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 ওই জন্যই তোমার আইডিয়া আছে ভালো আচ্ছা এটা হয়ে গেছে জবা গাছটা হয়ে গেছে এই এই যে এই যে হচ্ছে কি আরেকটা সেই ওই যে ওই যে जो तुलसी का पेड़ है ये बहुत ही मतलब लाइक होता है ना कि बॉडी भी काम करता है, इस तुलसी का पत्ता का अगर रस पिया जाएगा
तो ये बहुत उपकार जिसको बोलते हैं वो होता है, तो ये काइंड ऑफ लाइक आयुर्वेदिक है एंड इसको हम लाए थे बिहार से, मेरे सासू माँ दी थी। तो यस, ये भैया को बोल रहे हैं इसको अच्छे से लाइक पॉट में डाल के सुंदर से इसको सेटअप कर दे ताकि ये बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा पत्ता जो था ये येलो हो गया था एंड देन इसके साथ ये जो इसका जड़ है वो भी सूख गया था। तो यस, यहाँ पे गोइंग ऑन वॉक। हाँ बाबू, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक ये फट गया था। ये तुम्हें ये माटी नहीं है शो? अच्छा, ওই এই মাটিগুলো কি আমার মাটিগুলো কি নষ্ট হয়ে গেছে? নষ্ট না, এটা হচ্ছে কোকোপিট দেওয়া, এটা মাটি না। কি কোকোপিট মানে? কোকোপিট মানে নারকেল ছোবড়া। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমার শ্বশুর কিন্তু এই সব সব জানে জানো, মানে ওনার হাত এতটাই ভালো, উনি যখন একটা গাছে হাত দিয়ে দেবেন ওই গাছে ফুল ফুলে মানে ফুটে যাবে। হ্যাঁ, ভালো না হলে আর এটা করে এক্স্যাক্টলি ওনার মানে বাড়িতে কি গাছ নেই, আমার শ্বশুর বাড়ির কথা বলছি। तो चलो नीचे चल के देखते हैं क्या है। देखो एग्लो सब इंडस्ट्रा है, बड़ो है। Oh,